इस वक्त कश्मीर के आईजी विजय कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जो एनकाउंटर आतंकवादियों का जारी था। आइए सीधे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में चलते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जैसा कि हम लोग जानते हैं, कल जो त्राल में एक इंसिडेंट हुआ था, जिसमें हमारे एक एसपीओ को शहीद कर दिया गया, और जब उसकी वाइफ और बेटी बचाने आई तो मिलिटेंट ने उसको भी अंधाधुंध फायर किया, उसको भी शहीद कर दिया। उसमें जैश मोहम्मद का एक पाकिस्तानी मिलिटेंट था और एक जैश का लोकल मिलिटेंट उसमें इन्वॉल्व था। उसको हम लोग आइडेंटिफाई कर लिए हैं, पीछे पड़े हैं, ट्रैक कर रहे हैं, बहुत ही जल्दी उसको हम लोग न्यूट्रलाइज कर लेंगे। मिलिटेंट ने यह दिखा दिया कि कितना ये बारबरिक होता है। ये टीआरएफ वाले जो क्लेम करते हैं, इनोसेंट को मार को क्लेम करते हैं कि ये इन्फॉर्मर था, मुखबिर था, ये शो करता है कि जो कितने लोग बारबरिक हैं, कितने झूठ बोलते हैं, कितने लोग दुष्ट हैं। लोग उनकी वाइफ चाहे बेटी कोई किसी का सोर्स नहीं थी, हस्बैंड भी एसपीओ था, बेचारा नौकरी कर रहा था पुलिस में। पुलिस करना, नौकरी करना कोई गुनाह नहीं। अगर कोई पुलिस वाला एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन में भाग लेते हैं तो वो भी गुनाह नहीं, उनका ड्यूटी का पार्ट है। जबकि बेचारा वो कोई एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन में इन्वॉल्व नहीं था, वो सिंपल एक एसपीओ था। गरीबी हालत में लोग नौकरी ऐसा करते हैं पूरा। ये मिलिटेंट का असली चेहरा है। पिछले कुछ दिन में इनोसेंट को, सिविलियन हो या पुलिस वाला जो कहीं छुट्टी पर जाता है, अपने घर जाते हैं या मस्जिद के पास नमाज पढ़ने जाते हैं, उसको टारगेट कर रहा है लोग। एक सोसाइटी में, एक कश्मीर में एक फेयर साइकोसिस, एक ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं कि इनको डर है आने वाले दिन में यहाँ काफी टूरिस्ट आएंगे, लोग आएंगे, यहाँ पर अमन चैन होगा, उसको ये देखना नहीं चाहते हैं। कुछ पॉजिटिव टॉक भी चल रहा है, उसको भी डिस्टर्ब करना चाहता है। इनका ये मेन मकसद है, यह नहीं चाहता कि यहाँ पर शांति हो, लोग यहाँ पर विकासशील हो, डेवलपमेंट हो, लोग दो पैसा कमाए। इसलिए ये सिविलियन को और इंसेंट को टारगेट कर रहे हैं लोग। जहां तक कल का ऑपरेशन के बाद बात है, जैसा कि हम सब जानते हैं कि लावेपुरा इनकाउंटर के अटैक के सॉरी अटैक के बाद और खुशीपुरा अटैक के बाद, खुशीपुरा में हमारे आर्मी के दो जवान शहीद हुए थे और लावेपुरा में मार्च में इसी साल सीआरपीएफ के तीन जवान शहीद हुए थे। हम लोग आइडेंटिफाई कर लिए उस मॉडल को, उसमें जो गाड़ी जो उसको पहले पकड़ लिए थे, 10 लोग को हम लोग अरेस्ट कर लिए थे। उसमें नाम आया था अपराध का, आया नाम आया था जो नारवल का है, नदीम अपराध पूरा नाम है, दूसरा एक एक्टिव का और खुर्शीद मीर का। ये तीनों का मॉड्यूल, दोनों इंसिडेंट क्या था बड़ा इस साल का, खुर्शीद सोपोर इनकाउंटर मारा गया, उससे जो हथियार AK-47 रिकवर हुआ था वो हमारे सीआरपीएफ के जवान का था, उसका नंबर मैच कर गया। उसके बाद आप लोग एक खुद शेयर देखे होंगे कि टीआरएफ वाले ने एक वीडियो जारी किया था जिसमें उन्होंने खुद क्लेम किया था कि अपराध एंड कंपनी ने ये एक्शन किया है। आप सारे वीडियो देखे होंगे। हम लोग पुलिस की टीम हमारे डीआईजी अमित कुमार के सुपरविजन में क्लोजली मॉनिटर कर रहे थे। एक स्पेशल टीम बनाए थे, उसको उसके एक एक मूवमेंट को ट्रैक कर रहे थे। कल मॉर्निंग में वो अपराध वहां से निकला था, नॉर्थ कश्मीर से, और जो मुस्लिम जो है एक पाकिस्तान टेररिस्ट, दोनों को मिल के एक बहुत बड़ा हादसा दो जगह करना था कल। उससे पहले हम लोग जिस गाड़ी में आ रहा था, हमारे एक स्पेशल नाका के सीआरपीएफ पुलिस ने उसको पकड़ लिया। पकड़ने के बाद उसको हम लोग थाना में ले गए, इंट्रोगेट किया गया। ये ज्वाइंट इंट्रोगेशन था जिसमें सीआरपी आर्मी पुलिस तीनों विंग मिलके इंट्रोगेट किया। उसके बाद एफआईआर लॉन्च किए, उसमें एफआईआर में उसको पूरा उसको अरेस्ट किए और इंडियन एविडेंस एक्ट 27 सेक्शन के तहत उसको हम लोग फिर जो बोला था कहां पर रिकवरी करने के लिए, जो कानूनी लीगल है, हम लोग राइफल उनका जो था हथियार रिकवर करने गए थे। हालांकि एक पिस्टल और एक ग्रेनेड पहले रिकवर हो चुका था, और जो घर सस्पेक्टेड हाउस गया था अंदर से फायरिंग आ गया, जिस फायरिंग में हमारे सीआरपीएफ के एक ऑफिसर, तीन लोग टोटल इंजर्ड हो गए और उसको रिइंफोर्समेंट किया गया। सीआरपी आर्मी पुलिस ने कॉर्डन को स्ट्रेंथन कर दिया। फिर इनकाउंटर चलता रहा। फिर दूसरा मिलिटेंट जो था पाकिस्तानी मुस्लिम, वो घर से निकला और अंधाधुंध फायर किया। बाद में इनकाउंटर में के नदीन अपरार और पाकिस्तानी टेररिस्ट दोनों मारे गए। वहां से भी दो AK-47 मिला है। ये पुलिस और सिक्योरिटी फोर्स से बहुत कमयाबी हो, क्योंकि ये मॉड्यूल जो था ये पाकिस्तानी
और ये नदी अबरार इसका टारगेट था कि बार बार इस एक्सिस पर नारवल से लेकर हेतरपुरा के बीच में बार बार एनएस को टारगेट करना, सिक्योरिटी फोर्स पर हमला करना और वेपन स्नेचिंग करना, यह इनका टारगेट रहा है। इसके लिए मैं अपने सिक्योरिटी फोर्स को बहुत मुबारकबाद देता हूँ और मैं मिलिटेंट्स के पैंट से बार बार फिर से अपील करना चाहता हूँ कि सिक्योरिटी फोर्स पुलिस का फेस देखिए आप लोग, लाइव इनकाउंटर में हम लोग सेंडर लेते हैं, उनको जिंदा रहने का मौका देते हैं कि लाइव इनकाउंटर में। लेकिन अगर कोई टेररिस्ट इस ढंग से इनोसेंट सिविलियन को किलिंग में इन्वॉल्व होगा, सिक्योरिटी फोर्स पुलिस पर अटैक करेगा, उसको हम लोग नहीं छोड़ेंगे, पूरा इन्फॉर्मेशन जनरेट करके उसको न्यूट्रलाइज करते रहेंगे। अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। सर, श्रीनगर में जो मॉड्यूल एक्टिवेटेड है, खासकर जो सिविल लाइंस एरिया जो मोर और लेस इमरजेंसी फ्री था काफी काफी सालों से, वहां दो चार अटैक हुए, बागात में हुआ, फिर सीआईडी इंस्पेक्टर को, तो श्रीनगर में क्या रेजिस्टेंट मॉड्यूल मौजूद है लश्कर को, जो रेजिस्टेंस फ्रंट खासकर जो जिम्मेदारी ले रही है, आपको लगता है वो चैलेंज है उसको? जैसा कि हम सब जानते हैं कि सितंबर फर्स्ट वीक में हम लोग ने ये अनाउंस किया था कि श्रीनगर टेररिस्ट फ्री जोन हो गया, सही में हो गया था। उसके बाद सितंबर सेकेंड वीक में एलईटी का एक साकिब जो है बरजुला का एक्टिव हो गया। उसके बाद खुडबनी रेडमिनी से जब आर्मी का पुलिस का वहां पर बहुत सिक्योरिटी फोर्स का प्रेशर पड़ा तो खुडबनी रेडमिनी से शिफ्ट होकर अब्बास से श्रीनगर में शेल्टर लिया है। पाकिस्तान के इशारे पर, आईएसआई के इशारे पर यहाँ पर लोकल लड़कों को कुछ 5-6 को एक्टिव किया है, जो अपने को टीआरएफ कहते हैं बल्कि एलईटी के ये टेररिस्ट हैं। उसमें एक मार चुका है क्या उवैद, बाकी जो है उसके पीछे हम लोग लगे हुए हैं और बहुत जल्दी उसको या तो अरेस्ट कर लेंगे या इनकाउंटर उसको न्यूट्रलाइज करेंगे। जहां तक कि इंस्पेक्टर साहब की बात बोले तो देखिए, पुलिस वाले डेली छुट्टी पर हो या ऑफ टाइम में ऑफिस के बाद घर जाते हैं, उनको जाना पड़ेगा। हर एक लोग को हम लोग सिक्योरिटी फोर्स की तरह हम लोग कैंप में नहीं रह सकते हैं, ये लोकल है, डेली घर जाएंगे आएंगे, फैमिली के साथ रहना पड़ता है इनको, तो ये सॉफ्ट टारगेट है। अगर ये मिलिटेंट इस टाइप से हमारे सॉफ्ट टारगेट पर अटैक करेंगे तो हम लोग भी दूसरा हम लोग को भी आता है कि क्या क्या कैसे काम करना चाहिए। मुझे भी इसको पता है, 24 साल का बेस्ट एक्सपीरियंस हम लोग का भी, कि कैसे इसको हम लोग भी काउंटर कर सकते हैं। मैं इनको ये एडवाइस करता हूँ इस टाइप की वारदात में नहीं फंसे। बेचारा इंस्पेक्टर क्या करने गया था, ऑफिस ऑफ करने के बाद मॉस में नमाज पढ़ने गए, आप लोग वीडियो सारे देखे होंगे, मस्जिद के आगे दो टेररिस्ट आके पिस्टल से अंधाधुंध पीछे से फायर कर रहा है, वो किसका क्या बिगाड़ा था? वो तो कोई एसओजी में नहीं था, किसी एंटी टेररिस्ट स्क्वाड में नहीं था, पूरा गांव सोसाइटी में उनका कितना अच्छा इंपैक्ट था। सिर्फ एक न्यूज बनाने के लिए, फेयर सैक्यूसी पैदा करने के लिए इनोसेंट आदमी को ये लोग, और जो सॉफ्ट टारगेट उनको टारगेट कर रहे हैं। घबराने की बात नहीं है, जो श्रीनगर में जो मॉड्यूल है इनके पास पिस्टल है, कुछ उसमें स्लीपर सेल भी है, जिसको हम लोग पार्ट टाइम टेररिस्ट बोलते हैं या हैबिट टेररिस्ट बोलते हैं, ये टाइम ये पार्ट टाइम है, एक इंसिडेंट करने के बाद फिर अपना नॉर्मल काम करने शुरू कर देते हैं। जो फुल टाइम टेररिस्ट है उसको हम लोग पूरा ट्रैक करते हैं, जो पार्ट टाइम टेररिस्ट है जिसको हैबिट टेररिस्ट को कहते हैं हम लोग, उसमें थोड़ा दिक्कत तो आती हम लोग को, लेकिन हम लोग पूरा इसको सर्वेलेंस रखें, बहुत जल्दी इसको भी न्यूट्रलाइज कर लेंगे हम लोग। देखिए, इस सिलसिला में परसों हम लोग जाके एक जिसमें आर्मी, सीआरपी, एयरफोर्स, बीएसएफ, एनएसजी के हर एक लोग के साथ मीटिंग लिए, पूरा तैयारी कर लिए। थ्रेट बहुत सीरियस थ्रेट है, यह टेक्नोलॉजिकल थ्रेट है, इसको टेक्नोलॉजी के थ्रू भी हम लोग रिस्पॉन्स करेंगे और उसमें हम लोग काफी डिप्लॉयमेंट कर लिए, क्योंकि ये स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंट है, हम लोग शेयर नहीं कर सकते हैं पूरा डिटेल में। उसके बाद कल 15 कोर में जीओसी 15 कोर कोर कमांडर साहब ने मीटिंग लिए, मैंने अटेंड किया, फर्दर उसको सेंटर हम लोग कर रहे हैं, जितने वाइटल इंस्टेंशन है इसको भी प्लस एलसी पर भी। उसके अलावा आज देखे होंगे जैसा एक डल के एरिया में एक ड्रोन फ्लाई कर रहा था, उसको पुलिस ने जब्त कर लिया, एफआईआर लॉन्च किया, उसको कार्रवाई कर रहे हैं हम लोग। आप बिल्कुल सही बोलते हैं, अवंतीपुरा खास करके जो हरिपरगाम बेल्ट है, इसमें ट्रेडिशनली जेएस का काफी इसमें मूवमेंट रहा है शुरू से। 2018 में इसी विलेज में जेएस का टॉप कमांडर आदिल पठान मारा गया था। लास्ट ईयर 25 जनवरी को जेएस का टॉप कमांडर कारी यासिर पाकिस्तानी मारा गया था।
सिर्फ लोगों के दिखाने के लिए कोई सोर्स है, मुखबिर टैग करके ये अपनी कमजोरी छिपाना चाहते हैं, टारगेट कर रहे हैं। हम लोग ऑपरेशन को इन्हांस कर दिए हैं, इन्फॉर्मेशन को जनरेट कर रहे हैं, ह्यूमन इंट पर और फोकस कर रहे हैं। सराल में दो तीन अच्छे ऑपरेशन निकाल के इसको भी लोग कंट्रोल कर लेंगे।